नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है पूरे देश में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ है। इस बीच हमारे जो कंपनी है और सरकार ने हमें वर्क फ्रॉम होम का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो इस वर्क फ्रॉम होम को हम किस वे से स्मार्ट और फास्ट बना सके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जिसे रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया है जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ऑफिस, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। जो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से आप आपके डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद अगर से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल आईडीज ऑलरेडी क्रिएट हैं, तो आप उससे लॉगिन करिए आउटलुक या हॉटमेल। इन केस आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ईमेल आईडी नहीं है, तो आप आपकी जीमेल आईडी से या अन्य ईमेल आईडी से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर से माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी है तो काफ़ी बेटर होगा, जो आपको डेस्कटॉप और आपके एनी डिवाइस पर आप इजीली सिंक करके डेटा व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ, इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एप्लीकेशन से रिसेंटली लास्ट वीक से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी यूज़फुल आया है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस कुछ शेयर्स करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं टॉप पे आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, होम बार दिख रहा है, फोल्डर का आइकॉन दिख रहा है और सर्च बार दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं टॉप के जो लॉगिन है सेटिंग्स है इसके वो दिखा देता हूँ आपको। इस सेटिंग्स में आपको ओपन इन मोबाइल व्यू दिखेगा, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन दिखेगा, वन ड्राइव, पर्सनल, आप कहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इन मोबाइल पे या आपके ड्राइव पे से आप डेटा सेव करना चाहते हैं तो आप इजली कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डाउनलोड दिया है, यहाँ पे देखेंगे शेयर फाइल विथ मी, एडिट और शेयर फाइल, और साथ ही कुछ प्राइवेसी के फीचर्स दिए हैं जिसके ज़रिए आपको जो भी यूज़फुल है आप वो फीचर्स यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे गो प्रीमियम का उन यूजर्स के लिए दिया है जो मंथली पे करके यूज़ करते हैं, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ऑफिस 365, इसमें आपको 1 TB वन ड्राइव ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाएंगे। साथ ही कुछ इसके यूज़फुल फीचर्स हैं जो आप उसे अनलॉक कर सकते हैं, जो आपको पे करके यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चूज़ प्लान पे देख सकते हैं, ऑफिस 365 पर्सनल पे आपको 1 month फ्री यूज़ करने के लिए एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। अब बॉटम में देखेंगे यहाँ पे ऑफिस 365 होम दिया है, जहाँ पे आप 530 मंथली पे करके आप इसे 5 PCs मैक प्लस 5 टैबलेट एंड 5 स्मार्टफोन पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक गो प्रीमियम के फीचर्स हैं। साइड में आप देखेंगे आपको होम बार दिया है, होम बार के यहाँ पे एरो साइन दिया है, इस एरो साइन पे आप टच करेंगे तो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF, मीडिया, नोट्स के वो दिए हैं। एक्चुअली आपको फाइल फिल्टर करने के लिए दिया गया है, जैसे कि मेरे जो एक्सेल फाइल है मैं उसे ही सर्च करना चाहूँगा, तो एक्सेल फाइल को मेरे सारे फिल्टर करके मुझे बता देगा यहाँ पे। आप अगर से अन्य फाइल वर्ड यूज़ देखना चाहेंगे तो वर्ड जो भी आपके फाइल्स वो आ जाएंगे, आपको इजीली मल्टीपल डेटा में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। उसके बाजू में टॉप पे आप देखेंगे राइट साइड, आपको यहाँ पे फोल्डर आइकॉन दिखेगा, जहाँ पे आपको आप आपके डेटा ड्राइव से ब्राउज करके उस पर एडिट वर्क कर सकते हैं। साइड में आपको सर्च बार दिया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्चुअली ये मेरा जो इंटरफ्रेंस है, ये एक्चुअली और डैशबोर्ड जो आपको है, सारे फाइल्स वगैरह मुझे यहाँ होम पेज पे मुझे मिल जाते हैं, जिसे मैं इजीली व्यू कर सकता हूँ फिल्टर करके। साथ ही आप बॉटम में देखेंगे तो आपको होम पेज जो रिसेंटली फाइल ओपन है वो व्यू करने के लिए मिल जाते हैं। साथ में जो मिडल आइकॉन है बॉटम साइड, आप देखेंगे यहाँ पे प्लस मार्किंग है, प्लस मार्किंग पर आप शॉर्टकट यहाँ पे नोट्स वगैरह है, कैमरा के जरिए डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आप उसे व्यू कर सकते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आप इसे टैप करेंगे तो आपको देखिए नोट्स, लेंस और डॉक्यूमेंट्स पे आपको मिल जाएंगे। नोट्स पे आप यहाँ पे नोट्स इजली, यहाँ पे कुछ भी नोट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स आप उसे क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे आपको लेंस मिल जाएगा, लेंस में आप कोई भी डेटा स्कैन करके आप उसके जरिए उस फाइल को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इस फाइल है,
इसे मैंने स्कैन कर लिया है, तो इसे आप एडिट करके आपके मुताबिक जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड या उसे एडिट करके क्रॉप करके आप इस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट्स पर आप टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको मिल जाएंगे। सेम फीचर जैसा आपको डेस्कटॉप वर्जन पे मिलता है, सारे फीचर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आप स्कैन टेक्स्ट कर सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट टेम्पलेट कर सकते हैं। आप टेम्पलेट में एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट हुए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिज़ाइन किए हुए। आप इसमें से कुछ भी जो आपके यूज़फुल है उसे चूज़ करके आप अपना वर्क इसके ज़रिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके जिस पे आपको वर्क करना है तो आप उस पर चूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे थ्री ऑप्शन ये दिए हुए हैं लेंस के ज़रिए। आप देखेंगे जो भी अभी मैंने रिसेंटली ओपन किया है, फ़ोटो कैप्चर किया है, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से इजीली मीडिया को व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ नोट्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, आप यहाँ पे फ़ोटोज़ के ज़रिए आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे नोट्स कुछ टाइप करके आपने किया है तो आप इसे यहाँ पे टाइप करके रख सकते हैं। इसमें आप अटैचमेंट भी, आप अपना पर्सनल जो भी अटैचमेंट करना चाहते हैं अटैचमेंट करके भी आप शेयर कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये मेरा बॉटम साइड के प्लस मार्किंग का जो है वो फीचर्स मैंने आपको बताया। अब इसके बॉटम साइड आप राइट में देखेंगे एक्शंस बार दिया हुआ है, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके डेली वर्क में, ऑफिस रिलेटेड वर्क में आपको यूज़फुल है। आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए आप इसे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे आपको इमेज टू टेबल। आप कोई भी इमेज में है जहाँ पे उसे आप एक्सेल में कन्वर्ट करा के टेबल फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से स्कैन करके वो टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। डू मोर विथ PDFs। PDF के फीचर्स के लिए आपको देखेंगे साइन और PDF। आपका कोई भी PDF है आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट करिए, फाइल ब्राउज करिए। ब्राउज करने पर आप इजीली उसे साइन कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्राउज करके इसे साइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्कैन टू PDF दिया हुआ है। आपका जो भी फाइल है आप उसे स्कैन करिए, उसे PDF कन्वर्ट करिए। क्रिएट PDF फ्रॉम योर पिक्चर्स। आप PDF को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तुम आप उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही स्कैन QR कोड दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप इजली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो एक्शंस टैब में हैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे जो शेयर फाइल्स जो टॉप पे दिया गया है, ट्रांसफ़र फाइल, शेयर फाइल्स बिटवीन योर फोन एंड कंप्यूटर, शेयर फाइल्स टू और फ्रॉम नियर बाय फोन्स। तो आप ट्रांसफ़र पे टैप करेंगे तो सेंड रिसीव के लिए दो डिवाइस या कंप्यूटर्स यूज़ कर रहा है तो आप इजीली कंप्यूटर से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल साइज़ फ़िलहाल के लिए 10 MB का ही दिया गया है। और शेयर नियर बाय करेंगे तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ के ज़रिए आप एक डिवाइस, मोबाइल डिवाइस से दूसरे मोबाइल डिवाइस में आप इजीली डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है आपके डेली वर्क के लिए। तो आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, इसे यूज़ करिए, डेफिनेटली आपका वर्क काफ़ी स्मार्ट और इजी हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।